वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग बेटा। जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन होने, जल्दी से चैनल को ज्वाइन करने बोलिए, ग्रुप में मैसेज भेजिए उनको। वेरी गुड इवनिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्टेम, और ऑलरेडी हम स्टेम को लाइव एरिया में, फील्ड एरिया में देख चुके हैं। लास्ट हमारा जो संडे का सेशन था जिसमें आपने देखा था नेचर की स्टडी, नेचर में है ना, तो उसमें आपने ऑलरेडी पढ़ा है ये चीज़ कि स्टेम क्या होता है। वेरी गुड इवनिंग। तो उसमें आपने पढ़ा था स्टेम के बारे में कि स्टेम क्या एक एरियल पार्ट होता है जो कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, सन के टूवर्ड्स ग्रो होता है एंड सॉइल के अपोजिट ग्रो होता है। तो आज के सेशन में हमारा लिटिल बिट अबाउट स्टेम रहने वाला है एंड उससे ज़्यादा उसके मॉडिफिकेशन के बारे में रहेगा। वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से ग्रुप में मैसेज कीजिए, बच्चों को ज्वाइन करने बोलिए, जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए लिंक इंस्टाग्राम। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जो आपका शेयर का ऑप्शन है वहाँ से लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये आज का जो सेशन है हमारा लाइव सेशन वो मिल सके। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप यहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बेनिफिट्स मिलना चाहिए हमारे इस वीडियो का लाइव सेशन। इसीलिए अपने फ्रेंड्स के साथ आप व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर सकते हैं लिंक ताकि जो भी बच्चे हैं वो डायरेक्टली वीडियो को ज्वाइन कर सके। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे इस बायोलॉजी लॉन्चर चैनल में। आई एम सो हैप्पी कि आप सभी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू बायोलॉजी उसे हम 100% सॉल्व करेंगे। और जो भी बच्चे चैनल पे आते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और हमारा लाइव सेशन डेली रहेगा 7:30 बजे, कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण ही हम टाइम को 15 मिनट्स या 10 मिनट्स एक्सटेंड करते हैं और उसका मैसेज आपको पहले ही भेज दिया जाता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बस 2 मिनट्स वेट करेंगे हम एंड देन सेशन जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन में फ़ायदे ले सके। वेरी स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी लॉन्चर चैनल पे। तो लास्ट लाइव सेशन में हमने रूट के मॉडिफिकेशंस पे पढ़ा था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी लास्ट सेशन के रिगार्डिंग, अगर आपको होगा या आपने वीडियो देखा होगा और फिर आपको कोई प्रॉब्लम आया होगा, कुछ पूछना होगा, तो आप चैट सेक्शन में तब तक पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू नो अबाउट द स्टेम, स्टेम के बारे में अगर आपको कोई आइडिया है तब तक आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि स्टेम क्या होता है, देन हम कंटिन्यू करेंगे। बस कुछ ही 1 मिनट्स, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट्स। जैसे ही आपका 7:50 हो जाता है वैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा।
तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे। एंड ये लॉन्च हो चुका है चैनल, और वो भी आपके लिए। और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना और उसका सॉल्यूशन देना, यही मेरा मकसद है। और आप सभी का जो बायोलॉजी का कंसेप्ट है वो क्लियर करना, ये मेरा ड्रीम है। और इसीलिए आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी लॉन्चर चैनल। और बिल्कुल ये आपके प्रॉब्लम के लिए ही है। जो भी आपका इशू होता है, सब्जेक्ट इशू, वो बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक दैट इज़ द स्टेम। सो व्हाट इज़ ए स्टेम? तो जब हमने प्लांट्स की स्टडी किया था तो आपको क्लियर बताया था कि कोई भी प्लांट्स जो ग्राउंड यानी मिट्टी के नीचे ग्रो होता है उसे हम रूट पार्ट बोलते हैं, एंड जो एबव ग्रो होता है दैट मीन्स असेंडिंग एक्सिस है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। तो ये जनरली हम ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी स्टेम भी आपको अंडरग्राउंड मिलता है, और वो सब मॉडिफिकेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टेम क्या है? स्टेम क्या होता है? जनरली एरियल पार्ट होता है। ओके, स्टेम इज़ अ एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। और ये किसका मेन पार्ट है? शूट का मेन पार्ट है, क्योंकि अगर आप शूट बोलते हो तो उसमें आपके फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव सभी पार्ट आ जाते हैं। तो द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज नोन एज शूट सिस्टम, एंड शूट सिस्टम का ही जो मेन एक्सिस रहता है उसे क्या बोला जाता है? स्टेम बोला जाता है। शूट सिस्टम का मेन एक्सिस जो है उसे क्या बोला जाता है? स्टेम बोला जाता है। चलिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, कि हमारा इस आने वाले संडे को सेशन रहेगा जिसमें हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे, लीफ मोर्फोलॉजी, लीफ के फाइलोटेक्सी, लीफ के अरेंजमेंट एंड वेनेशन, ये सब चीज़ों को हम लेने वाले हैं। और ये सेशन जो है ये हमारा पीपीटी बेस नहीं रहने वाला है, और सिर्फ थेरेटिकली नहीं रहने वाला है, बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल रहने वाला है। तो बच्चों सेशन को मिस मत कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ये मैसेज ज़रूर दीजिएगा, और संडे के लिए वेट करेंगे हम तब तक। और आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो एरियल पार्ट है उसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं, और जो डाउनवर्ड यानी ग्राउंड पार्ट में है, अंडरग्राउंड है, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट पार्ट बोलते हैं। शूट पार्ट का जो मेन एक्सिस रहता है उसे हम स्टेम बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई प्लांट्स है, और ये एक प्लांट्स हो गया, अब इस प्लांट में ऐसे लीव्स होंगे, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा? ये पूरा पार्ट कहलाएगा शूट पार्ट, ठीक है। लेकिन इस शूट पार्ट में ये क्या कहलाएगा? एक मेन एक्सिस हो गया, और इस मेन एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? स्टेम बोलेंगे। इस मेन एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। इज इट क्लियर? क्या आपको समझ में आ गया ये पॉइंट? चलिए चैट सेक्शन में बिल्कुल सबसे पहले आप अपना एक स्माइली इमोजी भेज दीजिए, ताकि मैं ऐसा समझ सकूं कि आप इस सेशन को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। जल्दी से स्माइली वाला एक एक इमोजी जो है मुझे दिखना चाहिए मेरे चैट स्क्रीन पे, ताकि मुझे एक एनर्जी मिल सके इस चैट सेक्शन को देख के। ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे कि बच्चे बोर हो रहे हैं हमारे सेशन में आके। चलिए, जान ने भेज दिया है, बिल्कुल सेजल माहौल है, वेरी गुड। चलिए जल्दी जल्दी चैट सेक्शन जो है बिल्कुल आपके लिए ओपन है। क्वेश्चन पूछिए, आप अपने इमोजी शेयर कीजिए, आपको पसंद आ रहा वीडियो वो बताइए, बोरकर, वैष्णवी, शंकर। देखिए आपके इमोजी देख के मुझे भी हंसी आ गई। ओके रिया, चलिए आप इंजॉय कर रहे सेशन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है। एंड चलिए कंटिन्यू करते, थैंक यू सो मच। चलिए आपके इस प्यारे इमोजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इससे मुझे एक अलग ही टाइप की एनर्जी मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टेम इज असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग यानी क्या? ऊपर की तरफ ग्रो होने वाला, दैट इज द असेंडिंग पार्ट। कहाँ से डेवलप होता है? प्लीम्यूल से डेवलप होता है बेटा। अब ये प्लीम्यूल किसका का प्लीम्यूल कौन सा पार्ट है? तो प्लीम्यूल आपको बताता हूँ, जब सीड जर्मिनेशन होता है, जब सीड के बारे में हम पढ़ेंगे तब तो आपको एक चीज़ क्लियर करूंगा मैं। सीड में दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो न्यूट्रिटिव टिश्यू का पार्ट होता है, उसमें आइदर एंडोस्पर्म या आइदर कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होता है, एंड दूसरा पार्ट जो रहता है वो इम्ब्रायो का रीजन रहता है। अब मान के चलिए जैसे मैंने ये उंगली दिखाया आपको, ठीक है, अब ये इम्ब्रायो है, तो ऊपर का जो पार्ट है वो प्लीम्यूल होता है, नीचे का जो पार्ट होता है वो रेडिकल होता है। तो इस पोर्सन से जो डेवलपमेंट होगा वो किसका होगा? शूट का होगा। तो असेंडिंग पार्ट कौन सा है? स्टेम का है। तो जो आपका प्लीम्यूल रीजन है उसी से किसका डेवलपमेंट हो रहा है? स्टेम का डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए और कुछ इमोजी आ गए हैं, रिया का है, मयूरी का है, सलोनी का है, वेरी गुड। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। देन आपका जो स्टेम होता है ना, वो नोड एंड इंटर नोड में क्या होता है? डिफ्रेंशिएटेड होता है, और खास करके मोनोकॉट में तो ये वेरिएशन आपको बिल्कुल ही दिख जाएगा।
अगर आपको मोनोकॉट एंड डाइकॉट वीडियो देखना है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट के डिफरेंस देखना है, तो हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के सेशन में मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट से लेके फ्लावर फ्रूट तक आपको दोनों में क्या डिफरेंस है वो मिल जाएगा। तो अगर आपको पूरा क्लियर करना है कंसेप्ट तो वहाँ पे ये जाके जरूर देख लीजिए। ओके, आकांक्षा का भी आ गया इमोजी। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। इट इज़ यूजुअली पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। अब ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक क्या होता है, यानी जिसके तरफ आप ग्रो हो रहे हो ना, तो उसके पहले क्या वर्ड आता है पॉजिटिवली। जैसे अगर मान के चलो कि मैं सन के तरफ जाऊँगा, सूरज के तरफ जा रहा हूँ, दैट मीन्स कि आई एम अ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। हो सकता है कि मैं पानी के तरफ जाऊँ तो मैं क्या कहलाऊँगा, हाइड्रो, मतलब क्या होता है वाटर, तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब होता है मूवमेंट, ट्रॉपिक का मीनिंग होता है मूवमेंट, एंड फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड पॉजिटिव का मतलब होता है टूवर्ड्स। तो मतलब टूवर्ड्स लाइट मूवमेंट हो रहा है, दैट इज द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। चलो बेटा बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक का मीनिंग आपको समझ में आ गया? जल्दी बताइए, क्या आपको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक का मीनिंग समझ में आ गया? पॉजिटिव का मतलब है टूवर्ड्स, ठीक है, और फोटो का मतलब है लाइट, एंड ट्रॉपिक का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि लाइट्स के टुवर्ड्स मूवमेंट, दैट इज द पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो प्लांट में जो सूट होते हैं वो किसके तरफ ग्रो होते हैं? सन के तरफ, है ना। ओके, सेजल क्लियर है, वैष्णवी क्लियर है, इसीता क्लियर है, जा क्लियर है, वेरी गुड। ऐसे रैपिड चैट सेक्शन बिल्कुल ऐसे रैपिड फायर दिखना चाहिए, जैसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिखना चाहिए। जैसे ही आपको पूछा गया कि क्या आपको समझा, अगर आपको समझा तो बिल्कुल यस बोलना है। इफ़ यू हैव एनी क्वायरी आपको चैट सेक्शन में बिल्कुल पूछना है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे, निगेटिव जियोट्रॉपिक। निगेटिव का मतलब होता है अवे, है ना। तो प्लांट का जो सूट पोर्शन है यानी कि स्टेम पोर्शन है वो मिट्टी से, जमीन से क्या होता है, दूर जाता है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे समझ लो ये क्या है, एक मिट्टी का लेवल है, यहाँ से प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो होते हुए जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब निगेटिव यानी क्या, अवे। तो कहाँ से अवे जा रहा है, जियोट्रॉपिक। जियो मतलब क्या होता है, सॉयल यानी लैंड है, ट्रॉपिक मतलब क्या होता है, मूवमेंट, यानी मूवमेंट फ्रॉम अवे टू सॉयल। सॉयल से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, दूर जा रहा है। चलिए जल्दी से मुझे बताइए क्या आपको निगेटिव जियोट्रॉपिक का मूवमेंट क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट आपको क्लियर हो गया, इसका मीनिंग क्लियर हुआ क्या? अवे फ्रॉम सॉयल यानी मिट्टी से दूर जाएगा, मिट्टी के अपोजिट वे में प्लांट के सूट का ग्रोथ होगा। चलिए बताइए जल्दी मुझे, जल्दी से चैट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये देखिए, ये हो गया लैंड एरिया, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। तो मिट्टी के ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये अपोजिट जा रहा है। अगर ये ऐसा जाता तो मान लेते थे कि ठीक है वो मिट्टी की तरफ ग्रो हो रहा है ना, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ेंगे। निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। बेटा निगेटिव का मतलब ही है अवे, एंड हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एंड ट्रॉपिक का मतलब होता है मूवमेंट। तो जो प्लांट के स्टेम पोर्शन है, प्लांट का सूट पोर्शन है, जो ग्रीन वाला पोर्शन है जिसमें लीफ है ये सब प्रेजेंट होते हैं, वो कभी भी पानी के तरफ नहीं ग्रो होंगे, पानी के अपोजिट ग्रो होंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा जो भी एक्वेटिक प्लांट्स वो पानी के अंदर नहीं, पानी के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ ही प्लांट्स पानी के अंदर भी ग्रो होते हैं। तो क्या ये आपको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, निगेटिव जियोट्रॉपिक और निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक, ये क्या ये आपको तीनों टर्म क्लियर हो गया? अगर आपको ये तीनों टर्म क्लियर हो गया तो बस हंसते हुए इमोजी भेजिए जल्दी से। चलिए आपको यस सर लिखने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आप स्माइल भेजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये टॉपिक के ये जो तीन टर्मिनोलॉजी है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, निगेटिव जियोट्रॉपिक, निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक, ये तीनों आपको क्लियर हो चुका है। जहाँ क्लियर है, वैष्णवी क्लियर है, जल्दी से चैट सेक्शन में जल्दी से भेजिए। ओके, शंकर क्लियर है, साइली क्लियर है, इशिता क्लियर है। आई एम सो हैप्पी कि आप सभी सेशन को एंजॉय करते हैं और आप सभी को टॉपिक जो है वन टाइम में क्लियर हो रहा है। इशिता क्लियर है, सुनीता क्लियर है, वेरी गुड। ओके, आकांक्षा क्लियर है, सलोनी क्लियर है, मयूरी क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। रिया क्लियर है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपको एक ही बार बताने से क्लियर हो जाता है ना। ओके, बागड़े क्लियर है, चलिए थैंक यू, आगे बढ़ेंगे हम। इट्स सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। तो स्टेम में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स होते हैं, है ना। देखो जो भी सेशन हम अभी ले रहे हैं ये हम थ्योरी बेस ले रहे हैं, पीपीटी बेस ले रहे हैं,
प्रैक्टिकली जो है ये सब सेशन हम लास्ट संडे को ही ले चुके हैं, तो आप जरूर वो वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, सारे क्लियर है। चलिए, तो स्टेम में जो है ना क्या होता है, यहाँ पे बर्ड्स दिखते हैं। अब यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड्स है, अपाइकल बर्ड्स है, एंड उसके साथ साथ क्या है, असेसरी बर्ड्स है। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, ये हो गया, ये मेरा प्लांट है, ठीक है, ये मेरा प्लांट है और मैं इस पर अभी लीफ बनाऊंगा, ये मेरा प्लांट का लीफ है, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, ये जो टिपिकल पोर्शन है, ये जो अपेक्स पोर्शन है जहाँ पे मैं अभी ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये मेरा अपाइकल बर्ड हो गया, यानी कि टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल बर्ड्स को ही क्या बोला जाएगा, अपाइकल बर्ड्स बोला जाता है। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। अब ये लीफ है और यहाँ पे स्टेम है और यहाँ पे कोई बर्ड डेवलप हो रहा है, इस बर्ड्स को बोला जाता है एक्सिलरी बर्ड्स, इस बर्ड्स को बोला जाता है एक्सिलरी बर्ड्स। अगर एंड पोर्शन में हो रहा है, अगर एंड पोर्शन में डेवलपमेंट है, टर्मिनल पोर्शन में डेवलपमेंट है, तो उसे बोला जाता है अपाइकल बर्ड। जैसे कि ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ एकदम एक्सिस पे, ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ एक ऐसा ब्रांचिंग निकला है और यहाँ पे बर्ड डेवलप हो रहे, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, टर्मिनल बर्ड्स बोलेंगे, टर्मिनल बर्ड्स यानी कि अपाइकल बर्ड्स, ओके। एंड फिर से मैं आपको डायग्राम क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये एक प्लांट का एक्सिस है, इस प्लांट के एक्सिस में ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ हो गया और यहाँ पे लीफ और ब्रांच के, मेन ब्रांच के बीच से एक बर्ड्स निकला, दैट इज द एक्सिलरी बर्ड्स। ये जो रेड कलर से दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक्सिलरी बर्ड्स है। चलिए अब मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, टर्मिनल पोजिशन पे बर्ड डेवलप हो गया ब्लैक कलर से जो मैंने आपको दिखाया है, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनल बर्ड्स, और उसे ही क्या बोला जाता है, अपाइकल बर्ड्स बोला जाता है। एंड देन उसके बाद इधर साइड से जो बर्ड्स डेवलप होते रहते हैं, दैट इज द असेसरी बर्ड्स। तो क्या आपको ये एक्सिलरी, अपाइकल एंड असेसरी बर्ड्स क्लियर हो गया, जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताइए, क्या ये आपको तीनों बर्ड्स क्लियर हो गए, एक्सिलरी बर्ड्स, अपाइकल बर्ड्स एंड असेसरी बर्ड्स, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए मुझे, क्या आपको क्लियर हो गया ये तीनों बर्ड्स। ओके, जहा क्लियर है, वैष्णवी क्लियर है, इसीता क्लियर है, अगर आपको बिल्कुल अगर नहीं समझ में आया, कोई भी स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आया, तो बिल्कुल आपको पूछना है चैट सेक्शन में। ओके, मडावी क्लियर है, ओके, दिया क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ेंगे। एट नोड्स इट प्रोड्यूस डिसिमिलर ऑर्गन, है ना, तो स्टेम में आपने पढ़ा कि नोड एंड इंटर नोड में क्या है, डिफरेंशिएशन है, और नोड्स एंड इंटर नोड्स में अगर डिफरेंशिएशन है, तो इस पर्टिकुलरली पार्ट में कि एक टाइप के ऑर्गन्स बनेंगे या डिसिमिलर ऑर्गन बनेंगे। तो जैसे समझ लीजिए कि ये प्लांट्स है और ये प्लांट का स्टेम है, ठीक है, और ये नोडल रीजन है, ये इसके नोडल रीजन है, ठीक है, ये नोडल रीजन है। अब इस नोडल रीजन से क्या क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो इसी नोडल रीजन से लीफ भी बनेगा, इसी नोडल रीजन से लीफ भी बनेगा, और हो सकता है कि इसी नोडल रीजन से कहीं पे फ्लावर भी डेवलप हो जाए, है ना। तो हो सकता है कि एक ही नोडल रीजन से, दैट मीन्स एक ही नोड से लीफ्स भी डेवलप हो रहा होगा, और एक ही नोड से क्या डेवलप हो जाएगा, फ्लावर भी डेवलप हो जाएगा। तो हो गया ना डिसिमिलर ऑर्गन, क्या ये लीव्स और फ्लावर सिमिलर ऑर्गन है क्या, ऑफ कोर्स नॉट। तो लीव्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स है, वेजिटेटिव रॉक पार्ट है, और फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दैट मीन्स कि नोडल रीजन से क्या हो रहा है, डिसिमिलर ऑर्गन्स भी क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज कि अगर कोई प्लांट्स है, अगर कोई प्लांट्स है और उस प्लांट्स में यहाँ से ब्रांचेस डेवलप हो जाएगा, नोडल रीजन से यहाँ से भी ब्रांचेस डेवलप हो रहा है, तो यानी कि अलग अलग ब्रांचेस से सेम पार्ट डेवलप हो रहा है, दैट इज द सिमिलर ब्रांचेस। तो आपके जो प्लांट्स है, तो प्लांट्स में जो नोडल रीजन है, उस नोडल रीजन से सिमिलर ऑर्गन भी फॉर्मेशन होंगे एंड डिसिमिलर ऑर्गन भी। तो डिसिमिलर ऑर्गन में जैसे लीव्स एंड फ्लावर्स है, एक ही ऑर्गन से लीव्स भी निकलेंगे, फ्लावर्स भी निकलेंगे, और सिमिलर ऑर्गन्स में, सिमिलर ऑर्गन में ब्रांचेस निकलेंगे। तो क्या ये आपको टर्म क्लियर हो गया, क्या ये आपको, ये जो सेंटेंस है, प्रोड्यूसेस डिसिमिलर ऑर्गन एंड लीव्स,
क्या ये आपको क्लियर हो गया? लीव्स एंड फ्लावर डिसिमिलर ऑर्गन्स है, क्योंकि लीव्स वेजिटेटिव पार्ट है और फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। लेकिन अगर हम ब्रांचेस की बात करेंगे तो ब्रांचेस जो है सिमिलर ऑर्गन्स है जो हर एक नोड से निकलता है। जल्दी बताइए चैट सेक्शन में, क्या ये आपको पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल, आपका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे और आपकी उंगली होनी चाहिए चैट सेक्शन पे, ताकि अगर क्वेश्चन पूछा गया तो रैपिडली आंसर देंगे। ओके, जहाँ क्लियर है मेश्राम, शैली मेश्राम क्लियर है, सेजल क्लियर है, खुशी क्लियर है, बागड़े क्लियर है, दिया क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम, बहुत अच्छी बात है आपको क्लियर है। तो इन स्टेम इज ग्रीन एंड कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेटिक, यंग स्टेम इज ग्रीन है ना, तो यंग स्टेम जो टिप वाला पोर्शन होता है ना, एक बार और बताओ। ओके ओके, फिर से बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। देखिए फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए जैसे कि ये एक स्टेम का पोर्शन है, ठीक है, अब ये एक स्टेम के पोर्शन से यानी कि ये वाले नोडल रीजन है, ये जो है नोडल रीजन है, ये नोडल रीजन है, ये नोडल रीजन है, ठीक है। अब इस नोडल रीजन से यहाँ पे ब्रांच निकला है, ब्रांच में ऐसे लीव्स आएंगे, ठीक है, इसी नोडल रीजन से दूसरा भी ब्रांच निकलेगा, इसमें भी लीव्स आएंगे ऐसे, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि एक नोड रीजन से एक ही टाइप के क्या बने, पार्ट्स बने, दोनों साइड क्या निकले, ब्रांचेस निकले, तो ये क्या हो गया, सिमिलर ऑर्गन्स हो गया, ये क्या हो गया, सिमिलर ऑर्गन्स हो गया, ठीक है। चलिए, और ये सिमिलर ऑर्गन्स हो गया, एंड अभी जो है हम डिसिमिलर ऑर्गन्स देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ से फ्लावर्स निकल गए, ठीक है, और मे बी उसी नोड से या फिर दूसरे नोड से भी यहाँ से लीव्स निकल गए, ठीक है, या फिर यहाँ से लीव्स निकल गया। मतलब नोडल रीजन से आप क्या देख रहे हो कि कभी कभी एक ही टाइप के पार्ट्स बन रहे, ब्रांचेस 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 ही दिख रहे हैं, और कभी कभी उसी नोडल रीजन से लीफ भी बन रहे और फ्लावर्स भी बन रहे। दैट मीन्स कि एक ही नोड में एबिलिटी है कि वो डिसिमिलर ऑर्गन्स फॉर्म कर सके, है ना, एक ही नोड में। क्लियर हो गया? अभी आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया क्या, जल्दी बताइए। ओके, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो यंग स्टेम इज ग्रीन, तो जो नया नया स्टेम बनता है ना, यानी डेवलपिंग स्टेज में रहता है, वो क्या होता है, ग्रीन होता है। ये वाला अपाइकल रीजन का जो स्टेम रहता है वो क्या रहता है, ग्रीन रहता है। ग्रीन क्यों रहता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, और अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो क्या रहता है, फोटोसिंथेटिक रहता है। तो जो भी यंग स्टेम रहेगा वो क्या रहेगा, फोटोसिंथेटिक रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओ, स्टेम का फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, कौन बताएंगे मुझे चैट सेक्शन में स्टेम का क्या फंक्शन है, यहाँ पे तो दिख भी रहा है आपको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेट हो गया, आंसर पहले आ गया। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है स्टेम का, ये सबसे पहले समझिए। तो इट्स सपोर्ट ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जैसे कि ये कोई प्लांट्स है, ठीक है, और ये इसका रूट सिस्टम है, और इसमें देखिए ये ब्रांचेस को क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, ये ब्रांचेस को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। कौन दे रहा है सपोर्ट, इसका मेन पार्ट, दैट इज द स्टेम, है ना। इसको मैं अलग कलर से ये कर देता हूँ तो आपको आइडेंटिफिकेशन में, ये देखो ये रेड कलर से मैंने बनाया, ये क्या है, स्टेम है, और जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको ये क्या है, उसके ब्रांचेस है। इस ब्रांचेस पे देखिए क्या प्रेजेंट रहेंगे, लीव्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इसी ब्रांचेस पे क्या प्रेजेंट रहेगा, फ्लावर प्रेजेंट रहेगा। तो ये फ्लावर्स है या ब्रांचेस है या लीव्स है, इस सभी पार्ट्स को, या फिर हो सकता है ना कि इसमें फ्रूट्स भी प्रेजेंट हो, ठीक है, इसमें फ्रूट्स भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सारे पार्ट्स को होल्ड करने का काम कौन कर रहा है, तो स्टेम कर रहा है। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम आर टू प्रोड्यूस एंड सपोर्ट ब्रांचेस, तो सबसे पहले तो ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा, लीव्स प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करेगा, और उसको सपोर्ट देने का भी काम करेगा। दूसरा फंक्शन क्या होता है, तो दूसरा फंक्शन होता है कि ये स्टेम का जो पोर्शन है ये ऐसे रूट से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, और रूट जो भी पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, जो भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो किससे होते हुए जा रहा है, स्टेम से होते हुए जा रहा है, या फिर लीफ जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसका जो फूड है, उसका जो फूड है वो कहाँ, किसके थ्रू आ रहा है, नीचे की तरफ, वो आ रहा है स्टेम के तरफ, है ना, स्टेम के हेल्प से आ रहा है। दैट मीन्स कि कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर,
कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, यानी रूट से प्लांट, जैसे समझ लो कि ये बॉटल है, ठीक है, तो ये प्लांट का स्टेम है, ये रूट है, नीचे यहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करते करते ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, और ऊपर में लीफ है, यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वहां से फूड को नीचे की तरफ लेके आएगा। ये किसके हेल्प से हो पाएगा? स्टेम के हेल्प से हो पाएगा, ठीक है। उसमें जाइलम एंड फ्लोएम है, लेकिन होते कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? तो वो प्रेजेंट है इसमें, स्टेम में। तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स में जैसे कार्बन, हाइड्रो कार्बन तो उसको एटमोसफेयर से मिल जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वाटर के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन भी वाटर के फॉर्म में मिलेगा, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब जितने भी है, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब कहाँ से मिलता है? सॉइल से। तो ये सब क्या है? सभी मिनरल्स है, और उसके साथ साथ फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये आपके बुक से ही डायग्राम लिया गया है, जिसमें आपको स्टेम दिखेगा, उसके नोड दिखेंगे, नोड से निकलता हुआ लीफ दिखेगा, और लीफ एंड मेन स्टेम के बीच से जो है निकलता हुआ आपको एक्सिलरी बड दिखेंगे, एंड अपाइकल रीजन यानी कि टर्मिनल रीजन में अपाइकल बड्स दिखेंगे, ठीक है, और लीव्स के जो डंडी है, स्टॉक है, उसे हम पिटियोल बोलते हैं। क्या ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए, क्या ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए आंसर। जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए, क्या आपको टॉपिक स्टेम क्लियर हुआ? देन हम मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे। ओके, जा क्लियर है, मडावी क्लियर है, इसीता क्लियर है, वैष्णवी क्लियर है, दिया क्लियर है, खुशी क्लियर है। जल्दी जल्दी बताइए, चैट सेक्शन बिल्कुल ऐसे रैपिडली चलना चाहिए, ऐसे पूछा क्लियर है, क्लियर है तो बस तुरंत यस आना चाहिए आंसर। ये बागड़े क्लियर है? ओके, चलिए, आप सभी को ऑलमोस्ट क्लियर है, सभी स्टूडेंट को, और अगर इफ इन केस किसी को भी थोड़ी सी भी क्वेरी रहे बिल्कुल पूछिए। ओके, सेजल क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है मॉडिफिकेशन का मतलब, क्या होता है चेंजेस। जैसे मान के चलिए कि जैसे ये बॉटल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉटल है, मैं बार बार इसी को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप भी सोच रहे होंगे सर ये कॉमन एग्जाम्पल देते। जैसे एक बॉटल है, ठीक है, इसका शेप आपको दिख रहा है सिलेंड्रिकल है, मैं क्या करूंगा, इसको गर्म कर दूंगा और इसको थोड़ा सा लंबा कर दूंगा और ऊपर के पोर्शन को थोड़ा सा नैरो कर दूंगा, दैट मीन्स कि इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। और ये चेंजेस किसके कारण से हुआ? क्योंकि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसके कारण से। तो मॉडिफिकेशन जो है किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण से हो रहा है ना। तो ये जो चेंजेस है दैट इज द मॉडिफिकेशन, और इसके पीछे का रीजन जो है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो प्लांट जीरोफिटिक होगा, क्योंकि प्लांट वो एक्वेटिक होगा, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाता होगा, इसलिए अपने स्टेम को उसने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया और चेंज कर दिया। चलिए स्टेम मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन फंक्शन तो आपने पढ़ लिया है कि स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसमें एडिशनल और असेसरी फंक्शन है, एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा फंक्शन और असेसरी फंक्शन यानी कि सपोर्टिव फंक्शन। तो एक्स्ट्रा और असेसरी यानी कि सपोर्टिव फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है स्टेम, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन बोलते हैं। टू परफॉर्म सच फंक्शन स्टेम सो डिफरेंट मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन क्या क्या है, मेन मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा जो है सब एरियल स्टेम है, एंड तीसरा जो है वो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स के मेन मॉडिफिकेशन है, मैं आपको यहीं पे थोड़ा थोड़ा इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि ये मिट्टी है और ये मिट्टी के नीचे जो स्टेम है वो प्रेजेंट है। अरे अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि स्टेम इज द एरिया, तो यही तो मॉडिफिकेशन है, यही तो चेंजेस है, क्योंकि स्टेम एरियल होता था, जमीन के ऊपर होता था, असेंडिंग एक्सिस होता था, लेकिन चेंजेस हुआ और वो क्या बन गया, जमीन के अंदर, जमीन के नीचे आ गया वो, यानी कुछ तो भी एबनॉर्मिलिटी आया, कुछ तो भी चेंजेस आया, और चेंजेस आया इसीलिए तो मॉडिफिकेशन में आया, अदरवाइज हम तो नॉर्मल पढ़ते होते हैं। उसके बाद होता है सब एरियल स्टेम, यानी जो इरेक्ट नहीं है, जो इरेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, प्रोस्टेट कंडीशन में है, जमीन के ऊपर है लेकिन प्रोस्टेट कंडीशन में है, बेचारा कमजोर है, बेचारा थोड़ा सा वीक है ना, और इसीलिए वो इरेक्ट पोजीशन में ना खड़ा होकर जमीन पे ऐसे ऐसे चल रहा है,
ठीक है ना, तो उसमें सब एरियल स्टेम आ जाएगा। एरियल स्टेम आया लेकिन उसमें भी मॉडिफिकेशन आ गया। तो लास्ट टाइम आपने फाइलोक्लेड पढ़ा था, हम आगे क्लैडोफाइल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के जो है, उसके बाद फाइलोड है, बुलबिल्स है जिसमें डायस्कोरिया का एग्जाम्पल आपको बताया था। तो ये सब मॉडिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया, जल्दी से चैट सेक्शन में बताएं। यहाँ पे जो मैंने अंडरग्राउंड स्टेम बताया, सब एरियल स्टेम बताया और एरियल मॉडिफिकेशन बताया, क्या ये आपको क्लियर हुआ, चैट सेक्शन में जल्दी से बताइए। आई एम वेटिंग टू सी योर रिस्पॉन्स इन माई चैट सेक्शन, जल्दी से। जहा क्लियर है, मयूरी क्लियर है, मडावी क्लियर है, वागडे क्लियर है, माहुले क्लियर है, वेरी गुड। बड़ी खुशी होती है जब आपको कंसेप्ट इतना इजी वे में समझ में आ जाता है। इसीता क्लियर है, वैष्णवी क्लियर है, आई एम सो हैप्पी कि मेरे साथ बच्चे जुड़ते हैं जो बिल्कुल इनका ध्यान जो है हमारे सेशन में रहता है, और उनका जो भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो क्लियर हो जाए, और वो क्लियर हो पाता है। ओके, और इसलिए मैं बहुत खुश होता हूँ। चलिए, दिया क्लियर है, वैष्णवी क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम। और ये रॉकेट लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में हम पढ़ेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम में किस कंडीशन होता है ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, समीर भी क्लियर है, सेशन के साथ शुरू से लेके लास्ट तक। और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है, सेशन में अगर आपको मजा आ रहा है तो, है ना, फोर्सफुली नहीं, अगर आपको सेशन में एंजॉय हो रहा है और अगर आपको समझ में आ रहा है, जो भी कोर एजुकेशन है जो आपके लिए जरूरी है, बस वही मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा आपको कुछ भी मैं नहीं बता रहा हूँ। इन सम हर्बेसियस प्लांट, बेटा ये हर्बेसियस प्लांट क्या होता है इसे समझो। हर्बेसियस प्लांट हम उस प्लांट को बोलते हैं जिसका स्टेम भी आपको ग्रीन दिखेगा, फोटोसिंथेटिक दिखेगा, वीक दिखेगा, और स्पेशली एमेटस टिश्यू से बना हुआ होता है। तो इस टाइप के स्टेम को हम हर्बेसियस स्टेम बोलते हैं और उस प्लांट को हम हर्बेसियस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जो स्टेम पोर्शन है वो जनरली ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कहाँ होता है, जमीन के नीचे होता है, मिट्टी के नीचे होता है, अंडर ग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड स्टेम रिमेन डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मीनिंग क्या है ये भी बताता हूँ आपको, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड ऑन द एडवेंट ऑफ फेवरेबल, एडवेंट यानी आना, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया इसमें से एरियल सूट जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। मराठी में एक शब्द है, एक वर्ड है जिसको बोला जाता है सुप्त अवस्था, ठीक है, और इंग्लिश में बायोलॉजी टर्म है स्टारवेशन बोलते हैं इसको, और इसी को बोला जाता है समर स्लीप, विंटर स्लीप, एनिमल्स में ऐसे फिनामेना यूज किया जाता है जनरली, प्लांट्स में हम इसे डॉर्मेंट स्टेज बोलते हैं। अब ये क्या होता है समझिए, जैसे आपने अपने घर में व्हीट है या फिर धान है या कोई सीड्स है, मतलब जो भी आपके बीन्स है, दाल है, वो आपने रखा है, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला है तो वो आपके घर में एज इट इज प्रेजेंट रहता है, बराबर है। लेकिन उसी सीड्स को अगर आप पानी में डाल दो तो देखो कैसे जर्मिनेशन शो करने लगता है, बराबर है ना। दैट मीन्स कि यू आर प्रोवाइडिंग देम फेवरेबल कंडीशन, व्हाट दे नीड, व्हाट यू वी आर प्रोवाइडिंग देम व्हाट दे नीड, क्या उसको चाहिए वो अगर आप उसे प्रोवाइड कर दोगे तो उसमें जर्मिनेशन हो जाएगा, और अगर आप उस चीज को वो प्रोवाइड नहीं करोगे तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो व्हेन द सीड्स इज वायबल, या जो भी पार्ट है वो वायबल है, मतलब मरा नहीं है, जिंदा है वो, ऐसा समझ लीजिए कि वो कोमा के स्टेज में है, ठीक है ना, वो कोमा के स्टेज में है, वो अभी इनएक्टिव है। सीड जो है क्या है, जिंदा है। जैसे कोमा में कोई पेशेंट चला गया तो क्या मर जाता है, नहीं नहीं वो जिंदा है, लिविंग स्टेज में है। तो सीड्स वायबिलिटी बोलते हैं उसको, तो सीड्स क्या है, वायबल है, जिंदा तो है लेकिन इनएक्टिव है, द स्टेज इज कॉल्ड डॉर्मेंट। और जैसे ही आप उसे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करोगे, उसको मिट्टी में लगा दोगे, उसे पानी दोगे, वैसे ही उसका सीड जर्मिनेशन हो जाएगा। तो सीड डॉर्मेंट का मतलब क्या हो गया, या डॉर्मेंट स्टेज का क्या मतलब हो गया, कि सीड्स वायबल है बट दे आर इनएक्टिव,
एंड आफ्टर द कमिंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन उसको सब मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, मॉइस्चर मिल जाएगा, सॉइल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, दे बिकम्स एक्टिव। तो आपके घर में जो राइस है, राइस मीन्स धान है, सीरल्स है और ग्रेन्स है, चाहे व्हीट हो, मेज हो या फिर पल्सेस यानी कि जितने भी टाइप के दाल है वो है, रखा हुआ है, वो जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन अगर उसको आप मिट्टी में डाल दो, पानी डाल दो, तो जर्मिनेट हो जाएगा। तो जिंदा है लेकिन इनएक्टिव स्टेज में है, दैट इज द डॉर्मेंट। और जिंदा है और अगर वो एक्टिव फेवरेबल कंडीशन मिल गया, उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो वो जर्मिनेट हो जाएगा, दैट मीन्स कि उस कंडीशन में वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो क्या आपको डॉर्मेंट स्टेज क्लियर हो गया, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया आपको कोमा पेशेंट का, कि समझ लीजिए कि आपका सीड्स और आपका प्लांट्स पार्ट क्या है, कोमा में, दैट मीन्स कि वो लाइव है, जिंदा है लेकिन इनएक्टिव है। जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, दे बिकम्स एक्टिव। चलिए, खुशी को क्लियर हो चुका है, युक्ति भी बोल रही है यहाँ, बराबर है सर, बिल्कुल ओके। निकिता अम्बुले, वेरी गुड इवनिंग, बड़े लेट आए हैं आप, चलिए कोई बात नहीं, सेशन में बने रहिए। सुनीता ओके, मडावी क्लियर है, माहौले क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि आप डॉर्मेंट कंडीशन को कभी भूलोगे, क्योंकि मैंने आपको इतना सिंपल एग्जांपल दिया है। दिया क्लियर है, बागड़े क्लियर है, इसीता क्लियर है, झा क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी जो प्लांट्स को चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना भाई उसके, वो तो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, तब तो वो चुपचाप बैठेंगे ना। जैसे देखो अभी कोई भी मान के चलो, जैसे आप किसी कंडीशन में हो जहाँ पे आप फंसे हुए, तो आज चुपचाप ही रहोगे ना, आप सुनोगे सबकी बात, है ना। लेकिन जैसे ही आपका कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा, आपकी सब बात मानेंगे, तो आप ज़्यादा बोलोगे ना। ठीक है, युक्ति क्लियर है, सलोनी क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम इज नोन टू स्टोर फूड। अंडरग्राउंड स्टेम किस चीज़ के लिए जाना जा रहा है, तो अंडरग्राउंड स्टेम जाना जा रहा है फूड को स्टोर करने के लिए। और ये किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा, तो हेल्प इन पेरिनेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पेरिनेशन यानी उसकी वायबिलिटी को बनाए रखने के लिए, उसकी कम्युनिटी की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कौन बताएंगे चैट सेक्शन में, देखते हैं आंसर किसका सबसे पहले आता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या होता है, चैट सेक्शन में देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। आई एम वेटिंग टू सी योर आंसर, हु वन टेल फर्स्ट, जल्दी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या होता है, कैसे करते हैं, किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, व्हाट यू नो से इन चैट सेक्शन, आप क्या जानते हो चैट सेक्शन में बताओ जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूँ चैट सेक्शन पे, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। आप लोगों को पता है, आपने प्रैक्टिकली किया भी है ये चीज। चलिए कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं पता है कोई इशू नहीं है, हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि ये मान के चलिए ये रोज का प्लांट है। ठीक है, अब रोज के प्लांट में से आपने क्या कर लिया, छोटा सा पार्ट कट कर लिया पेंसिल के साइज का। ठीक है, और ओके, वैष्णवी ने आंसर दिया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, बिल्कुल सही आपने बोला है, बिल्कुल बिल्कुल, हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये एक स्टेम का प्लांट का पार्ट है, स्टेम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोज का प्लांट आप सब जानते हो, इसमें से मैंने क्या कर दिया, कुछ पार्ट जो है यानी 5 से 6 इंच का पार्ट को कट कर दिया, और इस पार्ट को क्या कर दिया, मैंने मिट्टी में लगा दिया, पानी वगैरह डाला, सब कुछ डाला इसे। कुछ दिन के बाद इसमें से क्या हो गए, रूट्स आने लगे। ठीक है, और रूट्स आने के साथ यहाँ पे बर्ड्स रहेंगे, तो बर्ड्स में लीफ वगैरह आना जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हेन वी आर यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट,
फॉर प्रोपैगेशन, प्रोपैगेशन का मतलब क्या होता है, नंबर बढ़ाना। देखिए युक्ति ने आंसर भेजा है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन मतलब एक प्लांट के पार्ट से एक न्यू प्लांट ग्रो होना, बिल्कुल करेक्ट बोला है आपने, थैंक यू। तो जैसे कोई भी प्लांट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी रोज का बता रहा था, तो एक रोज का प्लांट है उसमें से आपने एक स्टेम का पोर्शन तोड़ लिया है ना, ऑलमोस्ट 5 से 6 इंच का होना चाहिए उंगली के साइज, या ज़्यादा से ज़्यादा उंगली, और कम से कम पेंसिल के डायमीटर का होना चाहिए, उसमें 2 से 3 बड्स होने चाहिए, उसे आप प्रॉपरली सॉइल में पानी वगैरह डाल के जो है उसे लगा दो, कुछ 10 से 15 दिन में उससे रूट आ जाएंगे, उसमें बड्स होने चाहिए, उस बड्स से लीव्स वगैरह जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स, ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। और जब वेजिटेटिव पार्ट के हेल्प से आप नया प्लांट डेवलप कर लेते हो, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड इट्स अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसीता ने आंसर भेजा है प्लांट रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन इट लीव्स रूट स्टेम, ओके, यानी दैट मीन्स की वेजिटेटिव पार्ट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी हम स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं, आलू की खेती अगर आपने देखे होंगे करते हुए, तो एक आलू को 2-3 टुकड़े कट कर दिया जाता है, ठीक है, छोटे वाले रहेंगे तो एक ही हो जाता है, और उस आलू को मिट्टी के नीचे डाल दिया जाता है और उसके ऊपर से मिट्टी ढक दिया जाता है, कुछ 10-15 दिन में उसमें से नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं। तो आलू क्या है, स्टेम है, पर बताएंगे क्यों स्टेम है, ये चीज़ भी हमें पढ़ना है। तो इस स्टेम के पोर्शन से न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया रूट, स्टेम, लीव्स, ये तीनों वेजिटेटिव पार्ट है, और वेजिटेटिव पार्ट से जब आप नए प्लांट डेवलप कर रहे हो, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, क्योंकि प्रोपैगेशन का मीनिंग ही होता है न्यू डेवलप करना, उसका नंबर बढ़ाना, और किसके हेल्प से, वेजिटेटिव पार्ट के हेल्प से, इसलिए इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। तो क्या आपको वेजिटेटिव प्रोपैगेशन क्लियर हो गया, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। क्या आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया है, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। मरवी बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप, आपने जो क्वेश्चन मार्क करके भेजा है मुझे वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि आपने क्या भेजा है। ओके, क्लियर है सेजल, क्लियर है मडावी, क्लियर है, आकांक्षा, क्लियर है प्लांट, जहा क्लियर है, हाँ, द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स आर ग्रो, द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स आर फॉर्म, है ना, ग्रो नहीं फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि नया प्लांट्स आप बना रहे हो, दैट मीन्स प्रोपेगेशन, ओके। चलिए सेंटेंस मेकिंग भी सीखिए, यहाँ पे आप सीख सकते हैं सेंटेंस मेकिंग, आप में ये सेंटेंस मेकिंग की एबिलिटी आ जाएंगी यहाँ पे, अगर चैट सेक्शन में आप सेंटेंस बना के आंसर भेजोगे, और इससे फायदा ये होगा कि आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क ले आओगे, इसी तरह क्लियर है। चलिए, आपके बुक में क्वेश्चन है व्हाई अंडरग्राउंड स्टेम इज डिफरेंट फ्रॉम रूट, बराबर है ना, आपसे कोई भी पूछ सकता है, बताइए आलू स्टेम ही क्यों, आलू को मैं रूट बोलूंगा, प्रूव करके बताइए, कौन बता सकता है मुझे इसका आंसर, आलू स्टेम है या रूट, जल्दी से आलू स्टेम है या रूट कौन बताएगा मुझे, चैट सेक्शन में जल्दी बताइए। आलू जो है पोटैटो, जले तुम्हें बटाटा मनता, बिल्कुल बेटा, ग्राफ्टिंग के बारे में भी हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, हमारे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पूरा वीडियो अवेलेबल है, उसमें ग्राफ्टिंग के बारे में, देखो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना है ना, जैसे मान के चलो कि मैंने एक छोटा सा प्लांट लिया, उस प्लांट के अपेक्स रीजन को मैंने कट कर दिया, ठीक है, अब ये प्लांट कितने महीने का है, 1.5 से 2 महीने या 6 महीने का है, मैं किसी दूसरे प्लांट का सेम स्पेसीज का दूसरे प्लांट का इसी साइज का क्या करूँगा, कोई प्लांट पार्ट लाऊंगा स्टेम का, इसको जोड़ दूंगा और उसको बांध दूंगा, प्लास्टिक से रैप कर दूंगा, कुछ 1 महीने में ही क्या हो जाएंगे, उसके बड डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और 1 साल में उसमें फ्लावरिंग आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, है ना। तो ग्राफ्टिंग टॉपिक मैं 15 मिनट आधे घंटे तक आराम से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे हम शॉर्ट में उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट का जो टॉपिक है उसमें दिया हुआ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। स्टेम है, वेरी गुड आंसर आया है, जाया इसीता गायकवाड़,
श्रावणी गायकवाड़ अभी अभी ज्वाइन हुए क्या आप? चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और आप आते रहिए। ओके स्टेम है, वेरी गुड स्टेम है। स्टेम क्यों है उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। चलो कौन बताएगा मुझे? चलिए कितना बढ़िया है, मतलब क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप आंसर दीजिए। स्टेम क्यों, कौन मतलब क्यों है ऐसा कौन बताएगा मुझे, आंसर कौन देगा? व्हाई पोटैटो इज कॉल्ड स्टेम नॉट रूट, कौन बताएगा मुझे? पोटैटो को हम क्यों स्टेम माने, इसका आंसर अगर आपने दे दिया तो मुझे बड़ी खुशी होंगी। युक्ति ने भी बोला स्टेम है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ आपकी बात, बिल्कुल आप करेक्ट बोल रहे हैं, आप सही रूट पे हैं और सही चैनल पे हैं, और बच्चे भी आप बिल्कुल सही है। आप में से जो भी बच्चे बताएंगा कि व्हाई पोटैटो इज स्टेम, मुझे बड़ी खुशी होंगी। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है, तब तक मैं इस आंसर को थोड़ा सा समझाता हूं आपको। द स्टेम हैव बर्ड्स, तो स्टेम में क्या होना चाहिए? बर्ड्स होने चाहिए। स्टेम हैविंग एबिलिटी टू डेवलप बर्ड्स, सिर्फ स्टेम है जिसमें बर्ड्स डेवलप करने की एबिलिटी है, नॉट इन रूट। रूट में बर्ड्स डेवलप नहीं होता है, स्टेम में ही बर्ड्स डेवलप होता है, चाहे वो टर्मिनल हो या फिर एक्सिलरी ही बर्ड्स क्यों ना हो, रूट्स में बर्ड्स डेवलप करने की एबिलिटी नहीं होता है। सर वो जमीन से आता है, जमीन से बेटा, जमीन से तो सभी आते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं जमीन से ही आते हैं, है ना? ईच एंड एवरी प्लांट्स दे आर ग्रोइंग फ्रॉम सॉइल, सॉइल से ही ग्रो होते हैं, जबकि वो जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर है तो उस हिसाब से तो रूट होना चाहिए। वेरी गुड, युक्ति बोपचे ने आंसर दिया है क्योंकि उसके पास नोड्स है और नोडल रीजन रूट में नहीं होता है, नोडल रीजन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? स्टेम होता है, ठीक है? तो दो डिफरेंस आपको बताना है बेटा आज के बाद। अगर किसी ने पूछा आपसे, बताओ पोटैटो को यानी आलू को हम स्टेम क्यों माने, तो उनको दो आंसर देना। पहला आंसर देना कि आप घर में आलू रखिए, देखिए उसमें से बर्ड्स आते हैं और उसमें लीफ आ जाते हैं, तो मुझे पता है। उनको पूछना ऐसे, उनको पूछना आप ऐसे कि क्या किसी रूट में लीव्स आते हैं, तो आंसर आएगा नहीं, मतलब आलू क्या है? स्टेम है, पहला आंसर देना। दूसरा उनको बताना कि क्या कभी रूट में आपने नोडल रीजन देखा है, उसका आंसर रहेगा नो, क्योंकि रूट में नोड्स नहीं होते हैं, लेकिन पोटैटो में नोड्स होते हैं। तो ये दो आंसर देके आप बता सकते हो कि पोटैटो जो है स्टेम है ना कि रूट है। चलिए क्या इसीता दे हैव नोड्स, बिल्कुल करेक्ट, और उसके एक्सिलरी बर्ड्स रहते, बिल्कुल एक्सिलरी बर्ड्स रहते हैं। चलिए अब हम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और मॉडिफिकेशन में पहला मॉडिफिकेशन है राइजोम, ठीक है? देखिए राइजोम क्या होता है, राइजोम जो है ना जैसे हॉरिजेंटली ग्रो होता है, राइजोम कैसे ग्रो होता है? हॉरिजेंटली ग्रो होता है, प्रोस्टेट डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड थिकेंड। तो सबसे पहले प्रोस्टेट समझिए, ये हो गया इरेक्ट, ये हो गया प्रोस्टेट, ठीक है? तो जैसे अदरक है, हल्दी है, ये सब प्रोस्टेट कंडीशन में ग्रो होते हैं, पहला। उसके बाद है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, तो जैसे ही मेरा हाथ देखिए ये क्या है, फ्लैट है, ये इसका डॉर्सल साइड हो गया, ये इसका वेंट्रल साइड हो गया, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हो गया। अदरक को देखिए आप, चपटा रहता है ना, इसे चौड़ा रहता है पूरा, तो डॉर्सो वेंट्रली क्या है? फ्लैटेंड है। थिकेंड है मतलब मोटा भी है, लीफ भी क्या होते हैं डॉर्सो वेंट्रली, क्या होते हैं? फ्लैटेंड होते हैं, लेकिन थिन होते हैं ना, लेकिन आपका जो जिंजर है, टर्मरिक है, ये क्या होते हैं? थिक होते हैं। प्रोस्टेट डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड थिकेंड, ये आपको समझ में आ गया। उसके साथ साथ आपको पता होगा कि अदरक कैसा दिखता है, ब्राउनिश कलर दिखता है। क्या आपको ये तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। प्रोस्टेट समझ में आया, प्रोस्टेट यानी ऐसे कंडीशन में ग्रो होने वाला, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड यानी ये फ्लैट सरफेस है, और ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, और यो कि ये क्या है? थिक है, मोटा है, इसको क्या बोलते हैं? थिकेंड है। और कलर कैसा है इसका? ब्राउनिश कलर है। क्या आपको प्रोस्टेट डॉर्सो वेंट्रली एंड थिकेंड ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया? ओके इसी तरह क्लियर है, ओके मडावी क्लियर है, ओके सेजल क्लियर है, ओके इट्स ग्रो आइदर हॉरिजेंटली और ऑब्लिकली। तो देखो प्रोस्टेट जो है ना, दैट मीन्स ये क्या है? हॉरिजेंटल है प्रोस्टेट, जैसे देखो प्रोस्टेट हॉरिजेंटल और इरेक्ट वर्टिकल, ये याद रखो। तो प्रोस्टेट है मतलब क्या है? हॉरिजेंटल है, लेकिन कभी कभी इसका ग्रोथ कैसा होता है? ऑब्लिकली, है ना, एंगली है ना, ऐसे दिखेगा ना, वर्टिकली है ना हॉरिजेंटली है, ये कैसा है? ऑब्लिकली, थोड़ा सा नीचे की तरफ है, एंगल में है,
इसको क्या बोला जाता है, ऑब्लिकली बोला जाता है, बीनीथ द सॉइल, मतलब सॉइल के नीचे। राइजोम सो नोड्स एंड इंटरनोड्स, तो जब आप अदरक या हल्दी को देखोगे तो उस पर ऐसे रिंग स्ट्रक्चर दिखेगा, तो रिंग जो स्ट्रक्चर है दैट इज द नोड, एंड दो रिंग के बीच में जो स्ट्रक्चर है दैट इज द इंटरनोड। क्लियर है किसको? क्लियर है सेजल? क्लियर है सावनी? क्लियर है जाग? क्लियर है दिया? क्लियर है? वेरी गुड। तो इस पे राइजोम पे नोड्स एंड इंटर नोड्स दिखेंगे, एंड उसके साथ साथ टर्मिनल बड्स भी दिखेंगे और एक्सिलरी बड्स भी दिखेंगे। ओके चलिए मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जैसे ये देखिए, ये हो गया, मैंने एक अदरक का एक पार्ट्स लिया सिर्फ, ये जो बना रहा हूँ अभी ये क्या है, टर्मिनल बड्स है। और ये देखिए, ये नोड रीजन है, 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 और दो नोड के बीच में जो जगह रह गया है ना, ये वाला जो जगह है दैट इज द, जिसको मैं पिंक कलर से बना रहा हूँ, दैट इज द इंटरनोड। इसे क्या बोला जाता है? इंटरनोड। तो नोड के बीच में जो रीजन है दैट इज द इंटरनोड। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल पार्ट है दैट इज द अपाइकल बड्स, और जिसको हम टर्मिनल बड्स बोलते हैं। ठीक है, एंड और इसके साथ में देखो ऐसे साइड से निकलते रहता है, तो ये जो साइड से निकल रहा है दैट इज द एक्सिलरी बड्स। साइड से जो निकलेंगे उसे क्या बोला जाएंगे? हाँ, एक्सिलरी बड्स बोलेंगे। तो जैसे आप अदरक में देखोगे ऐसे ब्रांचिंग जैसे दिखता है ना, तो एंड वाला रीजन जो रहेगा दैट इज द एंड वाला जो रीजन है वो अपाइकल बड्स है। अच्छा, अपाइकल बड्स हो गया, और ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे ब्रांचिंग रहेंगे, है ना, इस पे भी ऐसे नोड्स रीजन रहेंगे। तो ये दो ब्रांचेस के बीच से निकल रहा है ना, ये दो ब्रांचेस के बीच से जो ये वाला रीजन निकल रहा है दैट इज द एक्सिलरी बड्स। तो आपके अदरक में जो है टर्मिनल बड्स भी दिखेंगे और एक्सिलरी बड्स भी दिखेंगे। तो टर्मिनल बड से जो है न्यू प्लांट डेवलप होंगे जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब, और जो आपके एरियल एरियल पार्ट है, एरियल शूट्स है, वो डेवलप होते हैं टर्मिनल बड से। और ये पर्टिकुलरली जो है ये डिजेनरेट्स होते हैं जैसे ही आपका फेवरेबल कंडीशन एंड हो जाता है। आपको बता दूं कि जो अदरक होते हैं, जिंजर होते हैं, इनका लाइफ साइकिल 2 साल का होता है। पहले साल ये प्लांट बनाएंगे, प्लांट बनाने के बाद ये क्या करते हैं, एक साल तक कुछ दिन तक नरिशमेंट वगैरह लेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड को स्टोर करते जाएंगे, और फिर से इनका टर्मिनल बर्ड फेवरेबल कंडीशन जैसे ही खत्म होगा एंड हो जाएगा। और उसके साथ जो ग्रोथ है राइजोम का वो किसके कारण से होता है? लैटरल बर्ड्स के कारण से होता है, लैटरल बर्ड्स के कारण से होता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है सिम्पोडियल ग्रोथ। लैटरल बर्ड से जब ग्रोथ होगा तो इसे क्या बोला जाएगा? सिम्पोडियल ग्रोथ। बेटा क्या आपको क्लियर है? जल्दी बताइए, राइजोम का टॉपिक आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? टर्मिनल बड से प्लांट डेवलप होंगे ऊपर के तरफ, एरियल शूट डेवलप होगा, और लैटरल बड जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिसको सिम्पोडियल ग्रोथ बोलते हैं। बताइए क्या आपको ये क्लियर हो गया? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए क्या आपको क्लियर हो चुका है। ओके मडावी क्लियर है? देन राइजोम के ही कुछ और पॉइंट्स है, एग्जाम्पल है इसका जिंजर, जिसको साइंटिफिकली जिंजिवेरा ऑफिसिनल बोलते हैं, टर्मेरिक है जिसको कुरकुमा डोमेस्टिका बोलते हैं, और ये कैना इंडिका होता है ना, शॉर्ट में से हम कैना बोलते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल किसका, ये रहा अदरक, दैट मीन्स राइजोम का ही फर्स्ट एग्जाम्पल जिंजर। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है टर्मेरिक, उस प्लांट्स के साथ आपको दिखेगा, और ये है कैना इंडिका, और कैना इंडिका का ये राइजोम रीजन। ओके जा क्लियर है? ठीक है चलिए, राइजोम के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, इसी में नेक्स्ट मॉडिफिकेशन राइजोम में ही दूसरा मॉडिफिकेशन दिखेगा, जिसमें आपने पहले देखा था सिम्पोडियल ग्रोथ, और सिम्पोडियल ग्रोथ में आपने क्या देखा था, तो सिम्पोडियल ग्रोथ में आपने देखा था कि उसके लैटरल जो बर्ड्स है ना उसमें ग्रोथ होता है, लेकिन जब उसके टर्मिनल बर्ड्स में ग्रोथ होता है, टर्मिनल बर्ड्स के कारण ग्रोथ होता है, तो उसे बोला जाता है मोनोपोडियल ग्रोथ। लैटरल इससे होगा ग्रोथ तो उसको बोला जाता है सिम्पोडियल, और अगर उसका ग्रोथ जो है टर्मिनल बर्ड्स से होगा, अपाइकल बर्ड्स से होगा, तो उसे बोला जाता है मोनोपोडियल ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है चलिए, ओके जा क्लियर है बागड़े? क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ये रहा इसका एग्जाम्पल निम्फिया एंड नीलम्बो, नीलम्बो यानी लोटस होता है, टेरिस यानी फर्म होता है, ये एग्जाम्पल है निम्फिया का, जो काफ़ी आपको कलरफुल दिख रहा होगा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल हो गया ये नीलम्बो का, जो कि कमल का प्लांट्स होता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे।
एंड ये एग्जाम्पल हो गया टेरिस फर्न का। बेटा इतने अच्छे एनिमेटेड वीडियो जो है आपके लिए है, और इसका एक मेन उद्देश्य यही है, मेन एम यही है कि ये टॉपिक जो है आपका बिल्कुल जो है वो क्लियर होते जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट इज द स्टेम ट्यूबर, जिसके बारे में हम ज़्यादा बातें करते हैं, और ये है कौन सा, पोटैटो। ओके, जा क्लियर है बागड़े, क्लियर है। ओके, स्टेम ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर में जो मेस्ट एग्जाम्पल है वो है कौन सा, पोटैटो का। चलिए इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ सिंपल वे में, तुरंत तुरंत आपको रैपिडली बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी टाइम इधर उधर ना वेस्ट करते हुए। जैसे कोई प्लांट्स है यहाँ से ऐसे ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो इसके ये रूट रीजन अराइज होंगे। इस रूट रीजन का जो टिप वाला पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, स्वेलिंग हो जाएंगी, और ये जो स्वेलिंग हो गई ये फूड स्टोर कर रहा है, स्टार्च स्टोर करने का काम कर रहा है। एक ही प्लांट में मल्टीपल आपको देखने को मिलेगा, उसका साइज भी कम ज़्यादा रहता है, और ये फॉर एग्जांपल सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है किसका है, पोटैटो का है। तो ये आपके किस में आ जाता है, स्टेम ट्यूबर में आ जाता है। किस चीज़ के लिए है, फूड स्टोरेज के पर्पज से रहता है। इसमें आपको नोड्स तो दिखेंगे लेकिन इंटर नोड जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हम जिसको आई बोलते हैं ना, जहाँ से बर्ड्स निकलता है उसे तो आप नोड बोल दोगे, लेकिन बाकी जो पोर्शन है उसमें इंटर नोड का तो डिफ्रेंसिएशन रहता ही नहीं है, ठीक है। एट नोड पार्ट स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब रिड्यूस पोर्शन में लीव्स जो है क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और वहीं से एक्जिलरी बर्ड्स जो है निकलते रहते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, आई बोला जाता है। जैसे समझ लीजिए कि ये एक पोटैटो है, ठीक है, और इस पोटैटो में ये आपको ऐसे रीजन दिखेंगे जहाँ पे कुछ इस तरह के बर्ड्स जो है निकलते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो ऐसे बर्ड्स जैसे निकलते हुए दिखते हैं ये क्या कहलाता है, एक्जिलरी बर्ड्स कहलाता है, इसे ही हम एक्जिलरी बर्ड्स बोलते हैं, और उसे ही कॉमनली क्या बोला जाता है, आई बोला जाता है। आई कैन प्रोड्यूस एरियल सूट, ऐसे ही क्या बनेगा, एरियल सूट बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब कंडीशन क्या होगा, फेवरेबल आएगा तब बनेगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन में ही बनेगा, ठीक है। तो ट्यूपर्स जो है वो क्या है, स्टेम है, और स्टेम जो है वेजिटेटिव पार्ट है, और इसीलिए इसका यूज किस चीज़ में होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। पोटैटो को बोला जाता है साइंटिफिकली सोलैनम ट्यूबरोसम, एंड दूसरा जो है वो है हेलियंथस ट्यूबरोसस। तो बेस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है स्टेम ट्यूबर में वो होता है पोटैटो का। ट्यूबर्स हैज टू डिस्टिंग एंड्स, अगर आप आलू को हाथ में लोगे तो देखोगे कि एक फेस के तरफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखने को मिलता है, आई दिखने को मिलता है, तो उस एरिया को बोला जाता है रोज, गुलाब वाला रोज नहीं, ठीक है। और जो बेजल वाला नीचे वाला पोर्शन है उसमें आपको आई, यानी जो आई है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, और इस रीजन को बोला जाता है हिल रीजन, उस रीजन को बोला जाता है हिल रीजन बोला जाता है। अब ये जो नंबर ऑफ नोड्स है और आई है वो सबसे ज़्यादा कहाँ दिखेगा, रोज एंड के तरफ, तो रोज एंड के तरफ आपको सबसे ज़्यादा आई देखने को मिलता है। और ये रहा एग्जांपल, इसमें ये आपको बर्ड्स निकलते हुए दिख रहे हैं, और ये एक्जिलरी बर्ड्स हैं जिससे न्यू प्लांट्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो बेटा आज के सेशन में हम यहीं रुकेंगे, आगे का जो मॉडिफिकेशन है वो हम कल लेंगे, बिल्कुल 7:30 बजे लेंगे, और हमारा जो ये सेशन है ऑलमोस्ट 1 आवर का सेशन डेली कंडक्ट किया जाएगा। इफ़ इन केस कोई इशू होता है तभी टाइम एक्सटेंड होगा, नहीं तो बिल्कुल आप लोगों को 7:30 बजे हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर से जुड़ जाना है, और आपको मिलेंगे हम झासर आपके इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे, और ये चैनल आपके लिए है और आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए है। आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप चैट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए, ताकि हम और आप एक दूसरे से विदा ले सकें, और आगे हमारे नेक्स्ट सेशन में फिर से हम इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ, और खिलखिलाते चेहरे के साथ मिल सकें। चलिए मडावी, आंसर आ गया है, ऑल राइट, ओके, वेरी गुड, दिया दिया का भी आंसर आ गया, नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे, इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम, एंड आगे का टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। फिलहाल हम इस सेशन में यहाँ रुकते हैं। सेजल माहौले बिल्कुल वेलकम, मोस्ट वेलकम, गुड नाइट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे।
थैंक यू सो मच। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर से, हम नए टॉपिक यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को ही। ओके झा, अच्छा है सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच भागडे, थैंक यू। चलिए आप सभी का धन्यवाद, आप ऐसे ही हमारे लाइव सेशन के साथ जुड़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स के लोगों के साथ भी ये सेशन शेयर करते रहिए ताकि आपके साथ उनका भी फायदा हो और हमारी जो स्टडी है वो एक अलग लेवल पे जाए। इंजॉयमेंट के साथ स्टडी है ना, स्टडी विद फन है ना, या फन विद स्टडी, आप ऐसे बोल सकते हो बिल्कुल। और यहाँ पे हम रुकेंगे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।